नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है, जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से समाज को कुछ बड़ा दिया है, जिससे समाज को उस पर गर्व है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी कड़ी में मोहम्मद यूसुफ जी हैं, हरियाली NGO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। हाल ही में इनको जो है दुबई में बड़े सम्मान से नवाजा गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC भारत पर। शुक्रिया सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से जो है आपका वो शुरुआती दौर कहाँ से होता है, जब आपके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें आती है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, जिससे समाज को कुछ बेहतर मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट का। बहुत पहले मैं एक EDA करके ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैं काम करता था। तो हम लोग NGOs को मैनेजमेंट सपोर्ट करते थे। वहीं से मेरे आइडिया आया कि हम लोग अपना एक NGO बनाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। उसके साथ साथ हमारा मेन फोकस था कि हम लोग रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो हमारे गांव हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो एक्शन प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन हमारा मेन फोकस हो गया रिसर्च, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग। तो हम लोग आजकल जो है मेनली रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, बेसलाइन सर्वे करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जो बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के, उसका भी हमने इवेल्युएशन किया है, रिसर्च स्टडीज़ की हैं। हम लोगों ने नीति आयोग के साथ काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, इस सारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज के लिए हम काम कर चुके। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे UNDP के लिए हम लोगों ने काम किया, और सेव द चिल्ड्रन के लिए आजकल भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इस तरह का काम है, लेकिन इसके अलावा, रिसर्च के अलावा, हम एक्शन प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो आजकल एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है यमुना एक्शन प्लान थर्ड का मतलब ये है कि हमारी यमुना में जो गंदगी वगैरह है उसको साफ करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। अभी हाल में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी वो था सेव वाटर सेव लाइफ। ये सेव वाटर सेव लाइफ एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैंने अभी तक इस इशू पर कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, लेकिन मेरे जहन में आया कि यार बड़ा अहम मुद्दा है ये, कि हम इसको हाईलाइट करें। आपने देखा होगा घरों में अक्सर जैसे एक गिलास पानी लिया, आधा पिया आधा छोड़ दिया, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। अब वो आधा पानी अगर हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है पूरे हिंदुस्तान की, अगर कुछ लोग भी 10% 20% भी अगर ऐसा कर रहे हैं और ऐसा वो नहीं करें, तो कितना पानी सेव होगा। कल हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नेशनल लेवल मॉनिटर भी हैं। कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। एक तो होता है कहीं से पैसे मिलकर काम करते हैं, एक हम लोग अपने पैसे से या सेल्फ उससे भी काम करते हैं। कोरोना पीरियड में हम लोग बहुत सारे लोगों को राशन किट बांटी, मास्क बांटे, इस तरह जो भी हम कर सकते थे अपने लेवल पर, अपने मोहल्ले में आसपास हमने काफ़ी काम किया। अगर एक बीमार की आप मदद करेंगे, किसी पेशेंट की मदद करेंगे, तो वो बहुत अच्छा काम है। तो ये मैं बिल्कुल अपने दिल से करता हूँ। सर, अभी हाल ही में जो है दुबई में बड़े अवार्ड से आप सम्मानित किए गए, तो वहाँ पर जो है क्या कुछ रहा, किस तरह से आपको जो है वहाँ पर बुलाया गया, आपको इतना काबिल समझा गया कि इस बड़े सम्मान से आपको दुबई में नवाजा गया,
वहाँ पर एक प्रोसेस था, उसके लिए सारे लोगों से उन्होंने नॉमिनेशन करवाए थे, उसकी एक जूरी बनी हुई थी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, उन्होंने जो जो नॉमिनेशन आए उसमें से उन्होंने सिलेक्ट किया, तो हमें जो है मुझे और हरियाली को उन्होंने बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड दिया, ईसा अवार्ड 2003। तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे काम को समझा, तो मैं गया था वहाँ, तो मैं उससे बहुत खुश हुआ और सारे जूरी को अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा बख्ती बात यह कि मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे अवार्ड तक मिल चुके हैं। अवार्ड्स इसलिए मिल रहे हैं कि काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम ईमानदारी से काम करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अच्छा काम करें और ऑनेस्टली काम करें। तो हमार कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे जो स्टाफ के लोग हैं बिल्कुल दिल से काम करते हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल है आपसे, आपने तमाम मुद्दों पर काम किया, तमाम विषयों पर काम किया, समाज के लिए आपने बेहतर किया, जिसके चलते समय समय पर आपको तमाम अवार्ड से नवाजा गया, बड़े अवार्ड से नवाजा गया। अब आप क्या कुछ सोच कर चले हैं कि हमें क्या कुछ करना है समाज के लिए बेहतर, क्योंकि अभी भी आप लगातार जो है आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे, कौन से वो विषय हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे, ये हम जानना चाहेंगे। तो क्या कुछ मतलब आगे के लिए प्लानिंग बना के चल रहे हैं? जो डेवलपमेंट सेक्टर में, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, और एक सफाई भी बहुत ज़रूरत है हमारे लिए। तो ये तो हमारे अर्बन एरियाज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो गांव है ना उसमें अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो गांव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई सेक्टर मुझे लगता है वो एग्रीकल्चर, मेरा भी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से ही है, मेरा भी फार्मिंग है, उसे टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग गाँव में ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करें। और दूसरा एक सोलर एनर्जी, ये भी एक ऐसा मुद्दा है ना, सोलर एनर्जी से बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, तो अपने ख़ासतौर दिल्ली में, और ये पोल्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि जब ख़ास तौर से अक्टूबर नवंबर का जब वक्त आता है ना तो बहुत पोल्यूशन हो जाता है, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। NBC भारत को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मयंक तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और NBC भारत का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ जी, जो समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके चलते इनको समय समय पर कई अवार्ड से नवाजा गया। अपने NGO के जरिए, हरियाली NGO के जरिए इन्होंने समाज के लिए वो सब कुछ किया जिसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज को होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत समस्याएँ हैं उस पर इन्होंने लग के काम किया, साथ ही साथ में नगरीय क्षेत्रों में सफाई पर विशेष फोकस कर रहे हैं ये, और लगातार जो है इसी क्रम में काम करते जा रहे हैं।